देखो आप एसएसबी कि पीजीटी कि यूजीसी नेट पे जब लॉजिक एंड फिलोसफी प्रिपेरेशन होता है बेस्ट वीडियो देखुने कारण ये कांसेप्ट क्लियर कर बस आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करेंगे सांग बंधु शेयर करेंगे पीडीएफ पे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे तो देखो आम पढ़ी आम वेस्टर्न फिलोसफी आम कवर करूँ आज पढ़ा आम इंडियन फिलोसफी इंडियन फिलोसफी पढ़ा पूर्व आम टे जाना मूल जिनस जोटा कि आप बहुत दरकार आ भिडियो आप देखो जदि ये भिडियो फास्ट भिडियो न बुझे इंडियन फिलोसफी तेल आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर तो पूरा प्लेलिस्ट चेक कर दिखाँ तो इंडियन फिलोसफी सब अच्छे तो इंडियन फिलोसफी बुझे पूर्व फास्ट भिडियो जो इंट्रोडक्शन भिडियो भेरी इंपोर्टेंट लिखाई है सहीटा को निहाती देखो तो देख ला यहाँ को देखते यीडियो मुझे कहबी जोटा कि आप बहुत इंपोर्टेंट और ये ही आपंकर परवर्त मुहूर्त जो आप नौटा स्कूल अच्छे इंडिया इंडियान फिलोसफी से डिस्कसन करी आप चैप्टर आम सिलेबस जहाँ अच्छे से आम आलोचना करेंगे एसएससीबी और पीजीटी सिलेबस इंडियन फिलोसफी देखिए आप चारबाग फिलोसफी प्रथम अच्छे चारबाग फिलोसफी बुझा पूर्व आपको इंडियान फिलोसफी स्कूल सिस्टम टा बुझाप पड़ा देखे आपको जो कनसेप्ट आप भावन जो कथ बुझाप डाउट होता सहजर बुझे आप कम है ध्यान सहकार बुझे देखो मुझे ग्यारंटी दूसरे आपत सिस्टमेटिकाल ये सुंदर भाव कौटी भी आप पाइबे नहीं प्ले मैंने यूट्यूब्रे सर्च करूँ कि गुगुल सर्च करते कौट भी पाइबे बस आप कम है मुझे यहाँ बहुत मैंने कलेक्शन करके कनसेप्ट क्लीयर करके आपड़ी बुझेबी आपको ध्यान सहकार शुणु शुणा सहित जब पीडीएफ्टा दरकार अच्छे स्क्रीनशॉट नहीं ना आप टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन कर दिखाते हैं आप पीडीएफ्टा एवेलेबल हो तो देखो आपंकर कौन ना ये इंडियन फिलोसफी आम पढ़ा इंडियन फिलोसफी इंट्रोडक्शन पढ़ा पूर्व आम जाना जो फिलोसफी कनसेप्ट कौन आपटा तो निश्चित जानते हैं फिलोसफी पढ़ुं मैंने इंडियन पढ़ु कि आप वेस्टर्न पढ़ु ईस्टर्न फिलोसफी आप प्ले लिस्ट अच्छे चेक करते सब सबकि सिलेबस जहाँ अच्छे पूरा कवर कराई बुझिपारे तो ये देखो आम इंडियन फिलोसफी पढ़ा पूर्व फिलोसफी आम तीन टा कनसेप्ट सब जानते गोटे एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स एथिक्स आम सिलेबस स्पेशली देखते एपिस्टेमोलॉजी अच्छी एसएससीबी सिलेबस ता सहित आपंकर मेटाफिजिक्स अच्छे एस एस बी पीजीटी किंतु एथिक्स आपड़ा ना सिलेबस किसी कनसेप्ट अच्छे जो क्वेश्चन आप पड़ जाए यूजीसी नेट तो यह सब गुड़ा अच्छे फिलोसफी तीन टा पार्ट आपने आहरी अगर पार्ट अच्छे मेजर पार्ट ये तीन टा मन रखे ये मेजर पार्ट कौटा ना एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स और एथिक्स एपिस्टेमोलॉजी माने कौन ना थियोरी ऑफ नॉलेज बा सोर्स ऑफ नॉलेज आपण माने ज्ञान को पूरा तर्जमा करे फिलोसफी माने कौन फिलो ना फिलोसफी माने विजडम सोर्स ऑफ नॉलेज है तो ज्ञान गंताघर ज्ञान किभली आप ब्रेन भितर को जो नॉलेज बा प्रमाण जहाँ भी आप भावुंत जेटा भैली कहते किभली पाँच कौ प्रोसेस पाँच सबू समस्ते जिते सब फिलोसफर आगे कनसेप्ट सब प्रेजेंट कर प्रेजेंटा को आम देखे एपिस्टेमोलॉजी कैटेगरी मेटाफिजिक्स कौन मेटाफिजिक्स है बियंड अवर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड आम वर्ल्ड नहीं मेटेरियल वर्ल्ड कथ कहन गोटे एमती गोटे वर्ल्ड अच्छे जो गॉड सोल कस्म कस्म यूनिवर्स जगत जगत विषय जो आलोचना हो नेचर ऑफ रियलिटी विषय जो आलोचना से मेटाफिजिक्स जो बुझा गॉड सोल यू कनसेप्ट क्वेश्चन आप डायरेक्टली पे मुझे प्रथम भिडियो देखिए प्ले चेक करदे प्रथम भिडियो मुझे कही गॉड जो इंपोर्टेंट टर्म गुड़ा एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स एथिक्स गॉड सोल सोर्स ऑफ नॉलेज एगुड़ा सब इंपोर्टेंट टर्म आपत तो से टर्म गुड़ा ही आपको इंपोर्टेंट अर्थात से गुड़ा ही कौ भितर जाते हैं जिते बार आप मेटाफिजिक्स पढ़िया मैंने आप मन रखुद ए पृथ्वी पृष्ठ आम यूनिवर्स को बात करके किसी जिन जो आम जो खोजिक पाने जो ट्रांसेंडेंटल अच्छे गॉड हो गॉड कथ आप देखु देखी ना सोल हो कि पृथ्वीर सृष्टि के भले ये सब जो कनसेप्ट बुझा से मेटाफिजिक्स कह एथिक्स है कौन लॉजिक्र फिलोसफी आपको मेन कनसेप्ट एथिक्स आप मैंने ओएस कि आएस परीक्षा जो दूसरे से देखिए एथिक्स गोटे चैप्टर रखु एथिक्सटा ही फिलोसफी मुख्य जिस एथिक्स कौन मोरल फिलोसफी आप नैतिकता कौन रोज आपने नैतिकता विषय में जो पाठ पढ़ला आपंकर जो ज्ञान बढ़ एक्चुअली मोरालिटी कौन से जिन बुझाई एथिक्स बुझिपाले आम दुईटा चैप्टर कौन एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स तेनाली फिलोसफी पढ़िया मैंने आम एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स आउ एथिक्स निश्चित जानवा दरकार तापर जा नेक्स्ट पार्ट को जोटा कि आम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी यहाँ है इंपोर्टेंट मन रखुद यही मैंने चित्रटा आप मन रखिए है ना आप कन्फ्यूज इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी दुई भाग कराई प्रथम कथ है गोटे ऑर्थोडॉक्स आउ अनऑर्थोडॉक्स हेटरोडक्स कहु ऑर्थोडॉक्स को कहु आस्तिक अनऑर्थोडॉक्स को कहला नास्तिक ऑर्थोडॉक्स जो मैंने जो मैंने वेदर विश्वास करते जो मैंने वेदर विश्वास करते वेद ही सोर्स ऑफ नॉलेज को जो विश्वास करते ऑर्थोडॉक्स कहला जो मैंने वेद को विश्वास करते नास्तिक से अविश्वास वेद को अविश्वास करते अनऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स भितर आप तीन जन अच्छे प्रथम है चारभाकजिम चारभाकजिम चारभाकर जो सिस्टम चारभाकजिम कहु बृहस्पति तार फाउंडर बोली कहु प्रोफाउंडर तापर चारभाग शिष्य अच्छी
ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୈନଜିମ୍ ଆପଣ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ଜୈନଜିମ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ଚାର ଭାଗ ଦିନ ରହିଲା ଜୈନଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତାପରେ ଅଛି ତିନି ନମ୍ବର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି କିଏ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ମାନେ କେଉଁ କାହାର ନୀତି ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ କିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜାଣିଯିବେ ଜୈନଜିମ୍ ଜାଣିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଚାର ଭାଗର ଚାର ଭାଗ ଜାଣିବେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଥିବ ଅପସନ୍ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ତା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ଚାର ଭାଗ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଚାର ଭାଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇମାନଙ୍କର ଜୈନଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଚାର ଭାଗର ଇଏଟା ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ କିଛି ଚାର ଭାଗର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିକଭରି ହେଇନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ରହିଲେ ମାନେ ଅନଅର୍ଥଡକ୍ସ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ UGC ନେଟ୍ ଦେବେ ସେଠି ପଡ଼ିଯାଏ କେଉଁଟା ଅର୍ଥଡକ୍ସ କେଉଁଟା ଅନଅର୍ଥଡକ୍ସ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଛଅ ଜଣ ଆପଣ ନଅଟା ସ୍କୁଲ ହେଲା କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ନଅଟା ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପୁରା ବୁକ୍ରେ ବା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିରେ ଏଇଟା ନଅଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏହା ହେଲା ଗୌତମ ମୁନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଫିଲୋସଫି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୈଷୟିକ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ବୈଷୟିକ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଯାହା କନ୍ନଡ଼ ବା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ ହେଲା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ବି ଅଛି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ସାଂଖ୍ୟ ଅଛି କପିଳ ତାଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଅଛି ଯାମିନୀ ଯେଟା ତାପରେ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ଯେଟା ଶଙ୍କର ହେଲା ଏତିକି ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ରାମାନୁଜ ବି ଅଛି ବେଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଏହାରି ଭିତରେ ପଳେଇବ ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ କଭର ହେଇଯିବ ରାମାନୁଜ ବେଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଏତିକି ହେଲା ଏଇ ଛଅ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଯେଉଁମାନେକି ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବେଦ ହେଲା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍କୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ ଏମାନେ ହେଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅପସନ୍ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଟା ଆସ୍ତିକ କେଉଁଟା ନାସ୍ତିକ ଆମେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ କାରଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ଚାର ବାଗ ଜୈନଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଭିତରେ ପଳେଇବେ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଟିକାଲି ଆପଣ ଏଠି କୁହାହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ବା ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଦେଖିବା ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଛଅ ପ୍ରକାର ନଲେଜକୁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଛଅ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ଛଅ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିକ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରମାଣ ସିକ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପ୍ରମାଣ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଗେନ୍ ନଲେଜ୍ ଏଇଟା ତିନି ମାନେ ଛଅ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରୁଛେ ବା ଗେନ୍ ନଲେଜ୍ ପାଉଛେ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖୁଛେ ବା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଛଅଟା ନଲେଜ୍ ସେ ଛଅଟା ନଲେଜ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଆସିବ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ପରସେପ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଇନଫରେନ୍ସ ତିନି ନମ୍ବର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଚାରି ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପର୍ସିଜେସନ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେଉଁଟା ବାଇ ସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନେବୁ ଇନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଅନୁମାନ କହୁଛୁ ବାଇ ଇନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବୁ ବା ଇନଫରେନ୍ସ ବା ଅନୁମାନ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଲା ବାଇ ଆନାଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉପମାନ ତାକୁ କହୁଛୁ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ବା ଶବ୍ଦ ବା ଆଗମ କୁହାହେଉଛି ବାଇ ଭାର୍ବାଲ୍ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୁହାହେଉଛି ପର୍ସିଜେସନ୍ ବା ବାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଅର୍ଥପତି ତା'ର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥପତି ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁହାହେଲା ଅନୁପଲବ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିବେ ବା ସେତିକି ଖାଲି ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଅନୁପଲବ୍ଧି ବାଇ ଆବ୍ସେନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅଟା ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଏ ଛଅଟା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଲେ ସେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ କିଏ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏ ଛଅଟା ଯାକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏ ଛଅଟା ପ୍ରମାଣକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଭଟ୍ଟ ମୀମାଂସା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ମୀମାଂସା ଏ ଛଅଟା ଯାକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଟା ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଜଣ ପରସେପ୍ସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଟା ପୁରା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପରସେପ୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ପରସେପ୍ସନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍କୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ପରସେପ୍ସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଲା ଯିଏକି ସବୁ ଚାର ଭାଗ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯେତିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ପରସେପ୍ସନ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଗ୍ରାମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନୁଯାୟୀ କରିଦେବି ବା ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରିଦେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପରସେପ୍ସନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଲା ଚାର ଭାଗ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି କ'ଣ ଚାର ଭାଗ କେବଳ ହିଁ ପରସେପ୍ସନ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାର ଭାଗ ପଢ଼ିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନଲେଜ୍ ବା ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ ବା ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ପାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ କିଛି ବି ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷୟିକ କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ପରସେପ୍ସନ୍ ଆଉ ବେଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ ବା ପ୍ରମାଣ ସିକ୍ସ ପ୍ରମାଣକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିକ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣକୁ କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ନା ବୈଷୟିକ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ନ୍ୟାୟ କଲା ପରସେପ୍ସନ୍ ଇନଫରେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି
परसेप्शन इनफ्लुएंस तापर है कंपेरिजन आउ टेस्टिमनी निया एसिड एक्सेप्ट कला बुझिपारे किंतु आपणकर ए सांख्य जग विशिष्टवाद द्वैत वेदांत विशिष्ट वेदांत ये मैंने सब कौन एक्सेप्ट कले ना ये देखो थीरम अच्छे ये परसेप्शन को एक्सेप्ट कले है परसेप्शन को एक्सेप्ट कले सहित इनफ्लुएंस को एक्सेप्ट कले सहित क्या एक्सेप्ट करी आप टेस्टिमनी को एक्सेप्ट कर तापर है प्रभाकर मीमांस कौन एक्सेप्ट कले सी एक्सेप्ट कले परसेप्शन को इनफरेन्स को है देखें इनफरेन्स को कंपैरिजन को तापर आपणकर टेस्टिमनी को तापर अर्थपति को एक्सेप्ट कले प्रभाकर आउ अद्वैत वेदांत से पूरा सब छटा जाक प्रमाण को एक्सेप्ट करते मुझे ये आपको सैड में लिखी दीजिए कौटा जी आप कन्फ्यूज हो चार भाग परसेप्शन को एक्सेप्ट कले ओनली परसेप्शन इज सोर्स ऑफ नॉलेज वैशेषिक परसेप्शन आउ इनफरेन्स न्याय है परसेप्शन इनफरेन्स टेस्टिमनी कंपैरिजन शंकर यज्ञ विशिष्ट वेदांत अद्वैत वेदांत द्वैत वेदांत से परसेप्शन इनफरेन्स टेस्टिमनी को तीन टाइम एक्सेप्ट कले प्रभाकर मीमांस कौन एक्सेप्ट कले ना परसेप्शन इनफरेन्स टेस्टिमनी कंपैरिजन अर्थपति अद्वैत वेदांत भट्ट मीमांस कौन एक्सेप्ट कले परसेप्शन इनफरेन्स टेस्टिमनी कंपैरिजन अर्थपति अनुपलब्धि सब गुड़ा एक्सेप्ट अनुपलब्धि केवल लास्ट है अद्वैत वेदांत विशेष कौन है छटा जाक एक्सेप्ट करवल अद्वैत वेदांत है ये आपंकर कौन मैंने क्या एक्सेप्ट करते तापर है इंपोर्टेंट है आपंकर गोटे बेले बेले आप कन्फ्यूजन करेंगे आपको जानापी पड़ो पुरुषार्थ है पुरुषार्थ माने कौन आम इंडियन फिलोसफी बहुत इंपोर्टेंट टर्म है पुरुषार्थ पुरुषार्थ है कौन ना पर्पज ऑफ लाइफ कौन ना एम ऑफ लाइफ आम जीवन लक्ष्य कौन आमर जीवन लक्ष्य कौन कौ स्टेज कौ क्रम मनुष्य जीवन क्रम कौन ब्लू प्रिंट फर ह्यूमन फुलफिलमेंट आम जीवन ब्लू प्रिंटा पुरुषार्थ तो कह जाए चार्टा पुरुष आम ये अच्छे एम अच्छे चारि प्रकार ओएम अच्छे आम लाइफ आम जीवन मनुष्य जीवन चार्टा एम अच्छे अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी से कहुए पुरुषार्थ से चार्टा को कहुए कौन पुरुषार्थ से चार्टा को आप मन रखिए एक नंबर है अर्थ अर्थ निहाती दरकार कौ फिलो कौ स्कूल कौ इंडियन स्कूल केमती कौन विश्वास करा बड़ कथा अर्थ कौन इकोनोमिक भैल्यू कौन रोच द्वितीय है काम काम है प्लीजर कह प्लीजर आपंकर सुखपी कौन कर धर्म धर्म है राइटनेस तापर लास्ट है मुख्य ए सब गुड़ा गोटे कनसेप्ट ए सब कनसेप्ट को किए कौ फिलोसफर कौन विश्वास करें कहुई सब इम्पोर्टेंट है धर्म धर्मटा को आम इंडियन फिलोसफी बेस फोकस करें देखो छटा फिलोसफी जी वेद को एक्सेप्ट कर धर्म से बहुत इम्पोर्टेंट काम है आप खुशी कौटा आप आनंद पाँच कौ कम कले आप टा पैसा पाला केमी एंजय करेंगे से लाइफ को सुखभोग केमी करेंगे से सब जिस कम रोज अर्थ है आप कमी टाँग इनकम करेंगे कौ वे आपको अर्थिक खर्च करेंगे से सब अर्थ मुख्य है शेष आप जीवन शेष लक्ष्य कौन लिबरेशन केमती पाए यह मुख्य ये पुरुषार्थ यही एतक इंपोर्टेंट जिस आप इंडियन फिलोसफी जो पढ़े आहुरी किसी कनसेप्ट अच्छे जमीक आप गॉड अच्छी गॉड आप कहले कहते मेटाफिजिक्स अच्छी सोल अच्छी है यूनिवर्स अच्छी ये सब है आपंकर इंपोर्टेंट कनसेप्ट है इंडियन फिलोसफी किए गॉड को विश्वास करु किए गॉड को विश्वास करूने किए सोल को विश्वास करु ये सब कनसेप्ट है आम किए अर्थ काम धर्म मुख्य गुड़ा कौन हो है मोरल फिलोसफी कौन रोज ये सब आम जिते सब जो नौटा फिलोसफी पढ़ी नौटा स्कूल ऑफ इंडियान फिलोसफी पढ़ी तो धीरे धीरे आप जानपारे बुझे आपने काम है बास प्ले लिस्ट चेक करूँ देखिए सब अवेलेबल अच्छे ये थी संपूर्ण भिडियो आप कौन इंडियान स्कूल सिस्टम व इंडियान फिलोसफी प्रथम कनसेप्ट इंट्रोडक्शन भिडियो नेक्स्ट पार्ट आम पढ़ा जोटा कि आपंकर चारबाग फिलोसफी बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आपके ध्यान से शुभ कारण चारबाग फिलोसफी एमती सहजे आप देखे बुझीपारे बस मूल कथ आप बुझे एपिस्टोलोजी कौन आउ मेटाफिजिक्स कौन तक अच्छे चेक करते हैं प्लेलिस्ट अच्छे तो आप सब भिडियो देखते हैं भिडियो भल लगे ठीक ठाक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करूँ सांग सेयार करते लाइक करदे भिडियो को निहाती पीडीएफ टेलीग्राम पर जॉइन करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू।